नमस्कार, मैं हूं गोपाल मिश्रा। स्वागत है आपका पॉजिटिविटी और मोटिवेशन से भरपूर इस चैनल अच्छी खबर .com पर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। इंडियन कास्ट सिस्टम की बुराइयों के बीच जन्मे बाबा साहेब ने बचपन से ही उपेक्षा और असमानता का आघात झेला। कोई आम आदमी इन आघातों से कमजोर पड़ जाता, पर बाबा साहेब तो कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। इन आघातों ने उन्हें वज्र सा मजबूत बना दिया और अपनी असीम इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर उन्होंने एक आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। आइए आज हम उनके जीवन से जुड़े बेहद रोचक तथ्य जानते हैं। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर अंबेडकर के पूर्वज काफी समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉयड थे और उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मो कैंटोनमेंट में तैनात थे। डॉक्टर अंबेडकर का मूल या ओरिजिनल नाम था अंबा वाडेकर, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे, ने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबा वाडेकर से अंबेडकर कर दिया। बाबा साहेब मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 2 साल तक प्रिंसिपल पद पर कार्यरत रहे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर भारतीय संविधान की धारा 370, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, के खिलाफ थे। बाबा साहेब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर बाद के सालों में डायबिटीज से बुरी तरह ग्रस्त थे। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। इंडियन फ्लैग में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर लेबर मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे और उन्हीं की वजह से फैक्ट्रियों में कम से कम 12 से 14 घंटे काम करने का नियम बदलकर सिर्फ 8 घंटे कर दिया गया था। वो बाबा साहेब ही थे जिन्होंने महिला श्रमिकों के लिए सहायक मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वेमेन लेबर, वेमेन लेबर वेलफेयर फंड, वेमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमृत्य सेन ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता माना है। बेहतर विकास के लिए 50 के दशक में ही बाबा साहेब ने मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से भी अधिक पुस्तकें थीं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 2 शादियां हुई थीं। पहली 9 वर्षीय बालिका रामाबाई के साथ, तब बाबा साहेब 15 वर्ष के थे, और दूसरी रामाबाई की मृत्यु के बाद हेल्थ इश्यूज की वजह से 57 साल की उम्र में डॉक्टर शारदा कबीर से। तो दोस्तों, ये थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े कुछ बेहद रोचक तथ्य। सचमुच आज हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस पर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे नोटिफिकेशंस बेल आइकन क्लिक करके पा सकते हैं। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।